अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लैम चॉप्स। ये इंतहा की मज़े की बनती हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे मेरी आपको वीडियो फ्री में देखने को मिलेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम पानी लेंगे, उसको हम बॉयल कर लेंगे, और जब उसका बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो उसमें हम लैम चॉप्स डाल देंगे और विनेगर के 4 to 5 पम्प्स डाल देंगे। एक दो बॉयल जब अच्छी तरह आ जाएगा तो इसको हमने जो है फिर हमने स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, जब ये हमारे स्ट्रेन हो जाएगी तो फिर हमने जो है एक और सेपरेट वॉक लेना है, उसमें हमने डालना है योगर्ट 1 कप। उसको हमने अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि उसमें कोई जो लम्प्स हैं वो ना हो। फिर उसमें डालना है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिली, जिंजर गार्लिक चॉप डाल दी है हमने, और साथ ही इसमें हम विनेगर डालेंगे 2 टेबल स्पून, क्यूमिन डालेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है हम मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि जो मसाला है वो अपना अंदर रच पस जाए योगर्ट के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे अपनी चॉप्स, ये देखिए। फिर इसको हम मिलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, फिर इसको हम एक दफा दोबारा से अच्छे से हिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अच्छी तरह हमारी जो है लैम चॉप्स मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको हम वेट लगाएंगे 15 मिनट्स का। तो जी, यहाँ से हो गया था पार्ट मिस। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि चॉप्स जो थी हमारी अभी भी हार्ड थी, तो इसको अब मैं दोबारा से 15 to 20 मिनट्स का दोबारा से वेट लगाऊंगी। ठीक है, देखिए मैं इसको एक दफा अच्छी तरह मिक्स करके उसको जो है हम प्रेशर लगा देंगे। ये रिंजी अब हमारी तैयार हो गई है मज़ेदार सी लैम चॉप्स। इसको आप इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, सैलड के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।